हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये रैबिट की कैप बताने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी दिखती है और आसान है, तो हम अभी शुरू करेंगे। देखिए, ये मैंने दोनों आँखें बनाई हैं इसके लिए, और ये अलग से अटैच किया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा दिखता है। देखिए, तो अभी मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। चलो, तो अभी हम बनाएंगे पहले मैजिक रिंग, और उसके ऊपर 12 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए, ये ऐसे करके, एक मिनट, ये पकड़ के रखना है धागा, यानी ये बराबर आता है। देखिए, ये हो गया। अभी मैं पहले 3 चेन लूँगी और उसके बाद 11 डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए, ये मैंने 3 चेन ले लिए स्टार्टिंग के, और अभी 12 डबल, पूरे टोटल 12 लेने हैं। इसके लिए 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मान लेंगे, और ऐसे करते हुए 12 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए, ये मैंने 12 डबल क्रोशिया डाले, 11 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी ये लाइन बंद करेंगे, उसके लिए ये पहले जो फर्स्ट वाले 3 चेन ली थी उसके ऊपर 3rd चेन में ये स्लिप नॉट से बंद कर देना है, और ये जो धागा है नीचे का वो पूरा खींच के बीच का होल बंद कर देना है। अभी इसके ऊपर पूरे 12 है ये टोटल, तो 24 डबल क्रोशिया लेने हैं सेकेंड रो में, ठीक है। देखिए, ये 2 राउंड्स हो गए हैं। अभी तीसरे इसमें पहले एक डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें 2 डबल क्रोशिया लेना है। ऐसे करके पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है, एक के ऊपर एक, और उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें एक के ऊपर 2, ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, ये मैंने 3 अभी कर लिए हैं राउंड्स। अभी ये 10 या 12 राउंड्स ऐसे ही करने हैं और बढ़ाते जाने हैं बीच बीच में। अभी मैं 4th राउंड करूँगी, इसके लिए मैं बीच में नहीं बढ़ाने वाली, यानी वो थोड़ा सा और ऐसे टिल्ट हो जाएगा। देखिए, ये हैट बनानी है, टोपी बनानी है, उसके लिए ये थोड़ा सा अभी और फैलना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये 4th राउंड में एक भी डीसी नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, अभी 5th राउंड में मैं 3 के बाद डबल क्रोशिया लूँगी। पहले 3 डबल क्रोशिया आएंगे, एक के ऊपर एक, फर्स्ट ले लिया मैंने, सेकेंड के ऊपर सेकेंड, 3rd के ऊपर 3rd, और फिर 4th इसमें 2 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये वाला राउंड पूरा ऐसा ही रहेगा। 3 के बाद नेक्स्ट वाले इस पे 2 बनाने हैं। देखिए, ये मैंने अभी और 5 रोज़ बना लिए हैं। उसमें का 6th वाला जो रो है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये इसमें मैंने, देखिए, 2 के बाद 3rd के ऊपर 2 फंदे लिए हैं मैंने। हर 2 के बाद 2 फंदे लेने हैं 3rd के ऊपर, ठीक है। ये 6th वाला रो हो जाएगा। और अभी 7th वाला जो रो है, मैंने यहाँ पे बढ़ाए नहीं है फंदे, सिर्फ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे फुल सिर्फ डीसी की ये लाइन है डबल क्रोशिया की, वो बनानी है आपको। अभी ये 8th वाला जो रो है, इस पे मैंने, देखिए क्या बनाया है, मैंने बनाया है 4 फंदों के बाद 5th वाले फंदे के ऊपर 2 लिए हैं मैंने। देखिए, 1 2 3 4, और उसके बाद मैंने 2 बनाए हैं। देखिए, ये यहाँ पे है 1 2 3 4, और उसके बाद ये 2, ऐसे करके पूरी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। और नेक्स्ट वाला जो रो है, वो फिर से वैसे फंदों के ऊपर फंदे लेना है, यानी ये मेरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मैंने रोज़ बना लिए हैं। अभी हमने ये जो फंदे हैं उसको कम करना है, यानी वो कैप का साइज ऐसे होते कम होते जाएगा। अभी इसके लिए बीच 10 फंदों के बाद एक छोड़ देना है, ऐसे करके नेक्स्ट वाली लाइन बनानी है। देखिए,
ये मैंने 10 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद मैं एक छोड़ दूंगी, एक छोड़ने के बाद फिर से 10 बनाऊंगी। ऐसे करते ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये मैंने 10 के बाद एक कम कर दिया है, उसकी वजह से इसका साइज अभी कम होने लगा है। देखिए अभी 8 फंदों के बाद नेक्स्ट वाला छोड़ देंगे, ऐसे करते हुए नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। देखिए ये मैंने 8 फंदों के बाद बंद कर दिया है, नेक्स्ट वाला छोड़ दिया है, और उसके बाद अभी मैं ये हो गए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइंस हो गए, और जो 4 लाइंस बनानी है यही साइज कंटिन्यू करना है। सिर्फ डबल क्रोशिया लेके बनाने हैं, पूरे सभी फंदे सेम रहेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसे के ऐसे ये 4 लाइंस और सामने आ जाएगी। देखिए ये 11 लाइंस हो गए हैं। अभी इसके बाद मैं 4 लाइंस और बनाऊंगी, यानी टोटल 15 लाइंस पूरी करनी है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसके कान बनाएंगे, ईयर्स बनाएंगे रैबिट के। ठीक है, तो अभी 4 लाइंस कंप्लीट करना है। देखिए मैंने बोला था आपको 15 लाइंस बनाने हैं, मैंने ये 15 लाइंस बना ली है। और देखिए ये अभी ऐसे बनाना है, ये कान के ऊपर आएगा, यानी 15 मैं डबल क्रोशिया 15 फंदे ले चुकी हूँ, 15 के बाद 13, बाद में 11, ऐसे करते करते पूरा ये यहाँ तक कम किया है मैंने, और फिर ये बांधने के लिए पट्टी बनाई है। तो ऐसे ही हम इस तरफ करेंगे, दूसरी तरफ। तो देखिए अभी डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, 15 फंदे लेने हैं। देखिए ये ऐसे करते हुए मैं पूरे 15 फंदे बना लूंगी। देखिए ये 15 फंदे बन चुके हैं। अभी मैं फिर से पलटा लूंगी और एक वहाँ का जो डीसी है, फंदा है, वो छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले इसमें लूंगी। आखिरी वाला फंदा छोड़ देना है, ऐसे ये 13 आ जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 13 के बाद 11, फिर 9, ऐसे करते हुए जाना है, और आखिरी तक ये छोटी वाली ऐसे यहाँ पे 2 आते हैं। देखिए 3 आते हैं, उसके बाद ऊपर 2 लेके, उसके बाद चेन्स बना लिया है मैंने, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। देखिए ये मैंने यहाँ तक के बना लिया है, 3 तक के। अभी इसमें मैं 2 बनाऊंगी, 2 के बाद 25 चेन्स लेनी है। देखिए मैंने 2 बना लिए फंदे, फिर 25 चेन्स के बाद बताती हूँ मैं आपको, 5 हो गए, 6 7 8। देखिए 25 चेन्स होने के बाद मैं 5 चेन छोड़ दूंगी, 1 2 3 4 5, और वहाँ पे सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी, यानी ये लुक तैयार हो जाएगा। और अभी इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें हाफ डीसी करते हुए यहाँ तक के फिर से वापस जाना है। देखिए हाफ डीसी यानी 3 का 1 करते हुए जाना है। देखिए 1, 3 का 1 किया मैंने, ऐसे करते हुए आखिरी तक जाना है, यानी ये ऐसी इस तरफ जैसे बनाई है मैंने, ये ऐसी पट्टी तैयार हो जाएगी। देखिए ये हमारी कैप कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम ईयर्स बनाएंगे रैबिट के, उसके लिए देखिए ये मैंने 15 चेन ली है और उस पर डबल क्रोशिया लेके बनाया है, और ये जो पॉइंट बनाना है हमें, ये नोक बनाना है, उसके लिए वहाँ पे हाफ डीसी ले सकते और सिंगल क्रोशिया डाल के ये मैंने कम किया है, उसकी वजह से ये शेप आ चुका है। मैं अभी ये बताऊँगी, 25 चेन्स ले लेंगे हम लोग पहले। देखिए ये मैंने 25 चेन्स ले चुकी हूँ मैं। अभी यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया लूँगी, फिर एक हाफ डीसी लूँगी। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर हाफ डीसी ले लिया, और इसके बाद पूरी लाइन हमने आखिरी के 2 छोड़ के पूरा सिर्फ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करनी है ये लाइन। ठीक है, देखिए ये मैंने पूरा बना लिया है। इसके बाद आखिरी में फिर से हम एक हाफ डीसी लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेंगे।
इसके बाद ये जो आखिरी वाला जो फंदा है, इसमें आखिरी वाली जो चेन है उसमें उसी में दो सिंगल क्रोशिया लेने हैं, यानी पहले एक डाला था मैंने, एक और ले लिया, एक सिंगल चेन, फिर से दो सिंगल क्रोशिया, यानी ये इसी में ले लेना है। अभी ये दूसरी बाजू जो साइड जो है उसी में हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, हाफ डीसी और उसके बाद पूरा डबल डीसी करके ले लेंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया डालते हुए ये लाइन मैं फिर से कंप्लीट करूँगी। देखिए ये मैंने फिर से कंप्लीट कर लिया है, ये पूरी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए फिर से वैसे ही करना है, एक हाफ डीसी लेना है यहाँ पे और उसके बाद सिंगल क्रोशिया लेके यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया, एक चेन और फिर से दो सिंगल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हमें फिर से दूसरी लाइन बनानी है, दो लाइन में ये हमारा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया दो ले लिए हैं, फिर से एक हाफ डीसी मैंने यहाँ पे लूँगी मैं और फिर डबल क्रोशिया डालते हुए ये लाइन कंप्लीट करूँगी, उससे हमारा ये पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये ऐसे ही हमें करना है कंप्लीट। देखिए ये अभी आंखें बनाएंगे हम लोग, इसके लिए मैंने मैजिक रिंग ली, उसमें 14 डबल क्रोशिया ले लिए और उसके बाद सिंगल क्रोशिया डाले हैं और सिर्फ इसको थोड़ा सा ओवल शेप लाने के लिए दो नीचे के डबल क्रोशिया में मैंने ऊपर दो दो बनाए हैं, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर दो, ऐसे मैंने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया लिए हैं और सिंगल ये डबल सिंगल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट की है। ये दो लाइन करते हुए हमारा ये हमारी ये एक आँख अभी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये नोज बनाया है पिंक कलर का, इसके लिए मैंने 4 चेन ली थी और ये पूरे 14 मैंने फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए ये एक ही लाइन में कंप्लीट कर लिए है। नोज इतनी ही आएगी और ये थोड़ा सा धागा हम लोग रखेंगे इसी के साथ हम ये इसके ऊपर लगाएंगे। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने दोनों आँखें लगा ली हैं और मैंने ये दो दांत भी बनाए हैं और ये दोनों ऐसे ईयर्स भी लगा लिए हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।